संगीत इंतकाम की ज्वाला, संगीत इंतकाम की ज्वाला और रूपा बनी आने वाला था। फिर क्या हुआ? उसकी लड़की एक है जिसका नाम माया है। कहने का मतलब भीमा किसान की जो लड़की माया है, फिर क्या हुआ? जिस टाइम माया को देखा मेरे दोस्त की माया की तरह अपने दिल में बसा लिया, और जब माया को मैंने उठाने वाला ही था, इतने में सारा वो पर्वतिया का लौंडा करण, वो सारे ने मेरा गिरेबान पे हाथ डाल दिया और माया को मेरे हाथों से। नहीं मेरे यार, अगर उसने तुम्हारे गले बांध पे हाथ नहीं जबरे पे हाथ डाला है, उसकी इतनी औकात जिसके खाने के लिए एक वक्त का भोजन न हो, वो हाथ तो कैसे रईसों के गले बांध पे हाथ डालेगा? मेरे यार एक दिन वो बहुत पछताएगा। तो साथ में तो चलो दोस्त बने खरीद साथ। गले बालों पे जो हाथों बढ़ा मैदान चलते पर्वतिया की झोपड़ी पे, आज उसकी अकल को ठिकाने लगा दे गई। आज के बाद हमसे तुमसे क्या इस जसवंत नगर में किसी से नजरे नहीं मिलाएगा। अगर नजरे मिलाएगा तो दुनिया से बिठा दिया जाएगा। सही कहते अंदरैया, एक पलटी तेरी नहीं लगाना है पार्वतिया को उसके मकान में सदा। पता नहीं मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया, मेरा कर्म पता नहीं कहाँ होगा। मैं रास्ता देखती हूँ, मेरे दोस्त भानु प्रताप यही है झोपड़ी उस पर्वतिया की, और देख रहे हो गौर से देखो किस तरीके से सारी चारपाई पे परफेक्ट रही ले रही है, और उसे जरा भी तमीज नहीं कि मेरे दरवाजे पे आया कौन है। इसे इसका सबक सिखाना चाहिए, इसे आवाज दो मेरे दोस्त। ये मालिक आप यहाँ कैसे? तुम्हें बदतमीजी करने का बड़ा शौक है ना, जानना चाहती हो? और तेरी वजह से आज हुआ और बनी मुझसे मालिक जिसकी
सजा तुम मुझको देते हो। पहले ये बात बता, तेरे वो छोकरा लंबा कहा है? अरे पता बेटे का पार्वती, अरे पता बेटे का बताना। मेरे बच्चे की उम्र ही क्या है, वो तो खेलने गया था। हाँ पार्वतिया बता, क्यों मादर चोद मार खा रही हो? मालिक और सच सच बताऊं, मालिक मालूम पार्वती। अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो अपने बेटे का पता बता दे, वरना जानती हो कि हमसे ज्यादा बुराई जसवंत नगर के अंदर कोई नहीं। पर्वतिया क्या तेरा खात्मा ऊपर से आया है? क्या चलो मेरा बोल बढ़ा पैदा बैठा, किसी ने देख लिया तो समझ लो बहुत बुरा हो। सही कहते हो, काफी समय हो गया, चलना चाहिए घर की तरफ। माँ हमारी रास्ता देख रही होगी, चलना चाहिए। तुम्हारा हाल किसने किया हाल बेटा? और कैसे कहूं बेटा, कुछ कहने में आता नहीं।
जो गुनाह नहीं किया हमने लोगों ने, पता नहीं उसकी सजा क्यों मुझे मिलती है। आखिर माँ हुआ क्या, किसने तुम्हारा ये हाल किया, जरा मुझे सच सच बताओ। माँ कम से कम उस हत्यारे का नाम तो मुझे बता दे। बेटा उन जिम्मेदारों ने मुझे इतनी बेरहमी से मारा कि मेरे सजा का कुछ भी पता क्या था। उन हत्यारों जिम्मेदारों ने तुम्हारे साथ इतना बढ़ा दिया कि तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। माँ काकी जा रहे हैं, का हुई है क्या ना हुई है। लेकिन हत्यारों को मैं छोड़ूंगा नहीं, यदि मैं कुछ नहीं कर सकता तो कानून है भैया, हम कानून का सहारा लेंगे। लेकिन हत्यारों को चैन से जीने नहीं देंगे। चलो हम अपनी माँ की लाश को लेकर थाने चले गए। यदि हम कुछ नहीं कर सकते तो कानून हमारा साथ जरूर देगा। के बच्चे नौकर चेयर लगी है, सफाई से करो नौकर। गुस्सा ठंडा करने के लिए क्या होना चाहिए, इस समय चले जाओ, इस समय चले जाओ गुस्सा टाइप के कोठे पे। हाँ हाँ, दो नाचने वाली लेके आओ। ठीक है, कैसे के मालिक जाता हूँ। अच्छा हम जाए बहन, अच्छा हम जाए। मालिक का हुक्म है, बढ़िया बढ़िया गाना सुनाओ, पैसा ले घर का जाओ। भैया सभी लोग पैसे जरूर देना। हाँ एक बढ़िया सा ठुमका लगा। मैं हमने भुसौरी पका रखे थे अंडा दे दे के। चलो शुरू करो, लगाइए भैया। Oh,
पर्वतिया के खोट में उसी के बेटे को फंसाए। देर किस बात की? निकाल गाड़ी जा रहे थे, चलो नगर। हाँ दोस्तों बैठे रहो, और अभी ये लड़के और डांस करेंगे, सभी लोग बैठे रहो, अवश्य बजाए गए। हाँ दोस्तों का बताए भैया, अतने दिन मालिक के बहुत नौकरी की, आज 10 साल कम से कम 20 साल नौकरी करते, अब हम थाने की नौकरी करते, अब इन मालिक की नौकरी नहीं करेंगे, अब थाने की नौकरी हम करेंगे, और क्या कहना है, और जेल खंडवा मेमोरियल ससुरारी अदालत मां भौनी इधर आओ रे, वरे मोहन चवाए, तुम से कह रहे हैं क्या, वहां माचदार है भोसड़ी के, क्या कर रहे हैं आ तुम्हारे चैला, क्यों रे ये किस जगह पर तुम खड़े हो? चेहरे की ज्योग्राफी देखिए, साले लगते हो करवा चौथ के चांद। अगर हम ये करवा ना बनाए तो वैसा नहीं बैठी करवा पूजा, वैसा धर्म करवा पूजा।
ये बताओ रे खाने में क्या हो रहा था? साहब का कुछ बढ़िया बढ़िया सुना? किसने किसने कहा? हवलदार, थाने में ड्यूटी करने आते हो या मनोरंजन करवाते हो? नहीं सर, अपनी मर्जी से करे। अपनी मर्जी से? अब तुम यहाँ पर बैठे हो, देख रहे हो। हम आए इसके पहले मनोरंजन कर रहा था। ठीक है, चलो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मिश्रा जी सर। क्या? मिश्रा। मिश्रा, ये कौन सा नाम है? रामगढ़ के मिश्रा जी। इधर आओ, ये ताली क्यों बजाते हो? जड़े हो? अरे नहीं साहब, वह पुत्रा जी है रामगढ़िया वाले। तुम लोग थाने का पूरा रंडी खाना बना रखा है। ना तो कोई सफाई है, ना तो कोई फायर रजिस्टर है, ना तो कोई चेयर सेट है। बहुत सड़ी है, ऐसे चेयर लगाया जाता। अरे सर, चौकीदारी की नौकरी करते हो? जी सर। कितने दिन से नौकरी कर रहे हो? हुई क्या है सर, 90 साल। 90 साल से नौकरी कर रहे हो? तेरी उम्र कितनी है रे? 35 साल। कहने का मतलब उम्र 35 साल की है, नौकरी 90 साल करते हो। पहले तो हमारे पप्पा करते रहे। क्या करते थे? नौकरी साहब। पप्पा क्या? पप्पा करते रहे। ओ आईसी, इसका मतलब ये है पापा पर दादा चौकीदारी की नौकरी करते थे, उन सब की नौकरी का टाइम जोड़कर भोसड़े की 90 साल बना। जी 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 है। एक बार जी बोला कर, और दूसरी बात ये बताओ, आज थाने में कोई FIR या कोई केस आया है यहाँ पे? वैसे एक बात नहीं बताई चौकीदार, तू नौकरी तो 90 साल साल करता है जी, लेकिन तूने ये नहीं बताया तेरा नाम क्या है? हमाना हमाना भाती। और तेरे बाप का नाम? फुलासी। रहते कहाँ रे? काशी। जात कौन सी है रे? पासी। भोसड़ी के पहाड़ा पड़ रहे हो, झांसी हुलासी पासी। क्या बता रहे चौकीदार, सरकार ने तुम्हें नौकरी दी, और जब सरकार ने तुम्हें नौकरी दी तो कौन कौन सी चीजें मुहैया कराई? साहब एक साइकिल, पीछे खड़ी है एक लठिया, वो कहा है रे? सब अड्डे पे लगी है, और एक साफा दिया है। साफा कहा है भोसड़ी के? सब है। कहने का मतलब ये सब बक्से में बंद करके रखते तेरी भाई छो तो? जी जी सर। लेकर आ भोसड़ी के। तो क्या तक तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यशवंत नगर थाने में यहाँ का कोई इंचार्ज नहीं है? यस सर। और यहाँ पर हमने कई बार कई ऑफिसर तैनात भी किए, लेकिन यहाँ के जो दो डाकू, जो तुम उन डाकू के नाम से तो वाकिफ होगे, डाकू सूरज और चंदा, वो लोग पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं। हमारी पुलिस फोर्स उनका पीछा करती है। अगर कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है तो सूरज और चंदा की गोली का निशाना बन जाता है, और अगर कोई उससे सामना नहीं कर पाता तो अपना ट्रांसफर करवा लेता है। लेकिन हवलदार, ऊपर से हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है, जैसे भी हो हमें सूरज चंदा को हर हाल में अरेस्ट करना है। सही बात है।
और हमको लगता है यशवंत नगर थाने में पुलिस फोर्स की भारी कमी है। सही बात, ठीक है, हम यहाँ पर कुछ नए ऑफिसर तैनात करेंगे, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। सर्वप्रथम हमें इस थाने का जो FIR रजिस्टर है वो दिखाओ। साफा लाल साफा होता है, वो काला होता है। चौकीदार जी सर, गेट की ड्यूटी करो जी सर। होल्डर यस सर, इस FIR फाइल में जितने भी चोरी डकैती इन सब चीजों के केस मौजूद है। यस सर, ये सब सूरज चंदा के कारनामे हैं। यस सर, लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज तक डाकू सूरज और चंदा गिरफ्तार नहीं हुए। यस सर। हवलदार, तब तक हम इस फाइल की देख रेख छानबीन करेंगे। एक काम करो, अपनी कुर्सी पे बैठो जाके, और देखो अगर कोई FIR लिखाने आए तो उसकी FIR लिखी जाए, अगर हमसे मिलना चाहे तो। हम तो बाहर का कर यार, बड़ी नींद आवत है, कोई उठाऊ नहीं। ओ मालिक नाम राम। राम राम चौकीदार, कहने का मतलब आप दरोगा साहब थाने में है? हाँ है मालिक, है मालिक। और SP साहब है? SP साहब नहीं है, दरोगा साहब है। हाँ SP साहब। अरे जाओ बोल दो कि जसवंत नगर के जमींदार, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, और भानु सिंह आए हुए, ठीक ठीक, जाओ। जसवंत नगर के छोटे बड़े ठाकुर साहब आए। छोटे बड़े साले हथौले लाए हो क्या? छोटे बड़े आए, कौन आए रे? जिमीदार साहब। अरे तो उनका कुछ नाम नहीं होगा रे? भवानी सिंह। ओ कहने का मतलब भवानी सिंह आए? हाँ मालिक। और वो उनका दोस्त होगा भानु सिंह? हाँ हाँ। अगर आए हैं तो उन्हें अंदर ले करा साले, अंदर साहब का तो अंदर चलो। मालिक साहब ने कहा है? हाँ हाँ, उन्हें अंदर ले करो, अंदर अंदर चलो मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, कुछ आपसे कुछ कहना चाहते हैं? और पड़ गया आपसे, हाँ मेरे यार, और पड़ गया आपसे एक काम जरूरी मेरा। तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारा कुछ जरूरी काम है
और इसी के वास्ते तुम थाने